नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज बसंत पंचमी है, इस शुभ अवसर पर आइए हम सभी सबसे पहले विद्या की देवी माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करें कि वो हम सभी के साथ सदैव बनी रहे और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। और ये मानते हुए कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, आइए अब शुरुआत करें अध्याय 9 बल और गति की। आज हम बात करेंगे बल क्या है और न्यूटन ने गति के जो नियम दिए हैं उसमें से पहला नियम आज हम लेंगे। सबसे पहले बल। बच्चों, जब भी हम किसी वाहन में यात्रा कर रहे हैं तो उसे अचानक या सामान्य स्थिति में भी जब हमें रोकना हो, उसको जब हम रोकना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उस पर ब्रेक लगाएंगे और वाहन चलती हुई स्थिति में जो था वो रुक जाता है। इसी प्रकार आप देखिएगा किसी स्थिर वस्तु को, जो वस्तु रुकी हुई है उसे दिखाने के लिए, उसे गति में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें धक्का लगाना पड़ता है, जोर से उसे बल के द्वारा गति करवानी पड़ती है। तो देखिए, जैसे ये बॉल आपको नजर आ रही है टेबल पर, स्थिर अवस्था में है और यदि हम ये चाहें कि इसे गति करवाएं तो हम क्या करेंगे, हमने धीरे से इसे जो धक्का दे दिया तो उससे क्या हुआ, बॉल की गति हो गई, यानी बॉल जो स्थिर अवस्था में थी वो अब गतिमान हो गई है। कहने का तात्पर्य ये है इन उदाहरणों के द्वारा कि कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है और हम उसकी स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, या दूसरी ओर कोई वस्तु गतिमान है और हम उसकी स्थिति में भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इन दोनों ही स्थितियों में हमें उस पर कुछ धक्का लगाना पड़ेगा, कुछ जो हम उस पर प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को ही हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। तो इस प्रकार बल एक वो भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु की गति अवस्था या विरामावस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। अब हम ये वाली बात कह रहे हैं लाने का प्रयास करता है, ऐसा क्यों? एक दीवार पर आप बल लगाइए, जैसा आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है, यदि हम इस पर दोनों हाथों से भी बल लगाएंगे तो क्या हम इसे गति में ला पाएंगे? पहले भी ये विराम स्थिति में है और बल लगाने पर भी ये अपनी विराम स्थिति में ही बना रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा ये सत्य नहीं है कि आप बल लगाने पर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर पाए। तो ये तो कुछ अपवाद स्वरूप है कि हम दीवार को गति नहीं करवा पा रहे, किसी स्थिर वस्तु को जो फिक्स है, जैसे ये बोर्ड फिक्स है अपनी जगह पर, हम इसको गति नहीं करवा पा रहे, लेकिन सामान्य स्थिति में वस्तु को गति में लाने के लिए या गतिमान वस्तु को रोकने के लिए हमें बल लगाना आवश्यक। तो सबसे पहले हम लेंगे बल की परिभाषा। बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। इसे ही हम और दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि बल वह भौतिक राशि है जो कण में त्व
त्वरण उत्पन्न करे। अब आप त्वरण आपके लिए नया शब्द नहीं है, पढ़ चुके हैं हम। जो कण में त्वरण उत्पन्न करता है या करने का प्रयास करता है, बल के बारे में हम एक बात और कह सकते हैं कि बल जो है उसके द्वारा हम किसी वस्तु की आकृति या आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? आपके पास रबर बैंड है, आप उस पर थोड़ा बल लगाकर उसे बाहर की ओर खींच करके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच करके उसे लंबा कर सकते हैं, और इसी प्रकार पुनः बल वापस अंदर की ओर लगा करके उसके आकार को छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार बल वह राशि है जिसके द्वारा वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। सदिश अदिश राशियां हम जानते हैं, तो बल जो है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, अर्थात परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक है, और ऐसी राशियां ही क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। अब बल के संबंध में यदि हमें संपूर्ण जानकारी लेनी हो तो तीन बातों का हमें पता होना आवश्यक है। कौन कौन सी है वो? बल के संबंध में जानकारी हेतु नंबर वन, सबसे पहले तो हमें वो बिंदु पता होना चाहिए जिस पर बल काम कर रहा है। वह बिंदु जिस पर बल कार्य कर रहा है। नंबर दो, बल कितना लग रहा है, यानी बल का परिमाण। और तीसरी बात, आखिर बल कौन सी दिशा में लग रहा है, यानी बल की दिशा। तो इस प्रकार ये सारी बातें हैं बल के बारे में, और बल का जो प्रतीक है वो क्या है, हम इसे कैपिटल एफ से बताते हैं। बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। उसके बाद हमने बात की कि बल जो है वो एक भौतिक राशि है जो कण में त्वरण उत्पन्न करता है या करने का प्रयास करता है। बल वह राशि है जिसके द्वारा हम वस्तु के आकार या आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं।
और ये एक सदिश राशि है। बल के संबंध में यदि पूर्ण जानकारी हासिल करनी है तो हमें वो बिंदु पता होना चाहिए जिस पर बल कार्य कर रहा है, बल का परिमाण और दिशा, इन तीनों बातों का पता होना आवश्यक है। आगे बात करेंगे हम गति के नियमों के बारे में। देखिए, गति के नियम भी अभी हमें पढ़ने हैं, और इससे पहले हमने पढ़े थे गति के तीनों समीकरण। अधिकतर क्या होता है, बच्चे ये गलतियां कर जाते हैं कि परीक्षा में दोनों में से एक ही चीज पूछी जा रही है, लेकिन जब गति के नियम पूछे जाते हैं तो वो समीकरण पूरे समझा देते हैं, और जब समीकरण पूछे जाते हैं तो वही उल्टा उस समय नियम लिख देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नियम तो जो है वो अभी हम समझ रहे हैं, एक एक करके तीन ही नियम दिए हैं, तीन ही समीकरण दिए हैं उन्होंने। समीकरण बच्चों जैसे हम गणित में भी पढ़ते हैं एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो इस तरह वाले जो हमने तीन समीकरण पढ़े हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो ये जो तीनों थे ये समीकरण है, और बलों की बात अभी हम, जो नियम है उसकी बात अभी हम करने जा रहे हैं। तो लेंगे हम गति के नियम। न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन जिनका पूरा नाम है, उन्होंने गति के हमें तीन नियम दिए, लेकिन जब उन्होंने हमें नियम दिए उससे पहले भी ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु और एक वैज्ञानिक जो है गैलीलियो, उन्होंने भी अपने विचार गति के संबंध में दिए। सबसे पहले बात यदि करें हम अरस्तु की, तो अरस्तु का ये मत था कि किसी भी वस्तु को एक समान गति में बनाए रखने के लिए, जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उसे एक समान गति में बनाए रखने के लिए उस पर बाह्य बल लगाया जाना आवश्यक है। तो सबसे पहले अरस्तु ने क्या कहा, ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का मत था कि, अरस्तु का क्या मत था, किसी वस्तु की एक समान, किसी वस्तु की एक समान गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल आवश्यक है। ये बात कही थी अरस्तु ने कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है और वह लगातार उसी गति से गति करती रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। लेकिन 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने उनकी इस बात को पूरी तरह से निरस्त कर दिया, और उन्होंने अपना मत दिया गति के संबंध में। गैलीलियो ने उसे निरस्त करते हुए अपना मत दिया। उन्होंने ये कहा कि ये तो बात सही है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो उस वस्तु को विरामावस्था में बनाए रखने के लिए
हमें उस पर क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। लेकिन यदि कोई वस्तु गति कर रही है, और गति भी कैसे, घर्षण रहित सतह पर। घर्षण जानते हैं दो चीजों की रगड़ आपस में, तो कोई वस्तु ऐसी सतह पर गति कर रही है जहां घर्षण नहीं है, तो ऐसी सतह पर गति करने के लिए गति करने वाली वस्तु को अपना एक समान गति बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होती। तो हमेशा ये वाली बात सही नहीं है कि एक बाह्य बल लगाना आवश्यक हो। तो उनका मत जो था, गैलीलियो ने कहा विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो गेंद मेज पर रखी थी, जब तक उसे हमने धक्का नहीं लगाया था, बॉल वैसे ही अपनी स्थिति में पड़ी रह सकती है। तो विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। लेकिन घर्षण रहित सतह पर गतिमान वस्तु को गति में बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल आवश्यक नहीं होता। ये बात गैलीलियो ने की थी। दोबारा से आपको इसको लिखने का मौका मिलेगा। समय है अभी छोटे से ब्रेक। We'll be right back.
पहले हमने बात की थी अरस्तु की, कि अरस्तु का मत था कि किसी भी वस्तु की एक समान गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल आवश्यक है। लेकिन 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने इस बात को निरस्त किया और उन्होंने अपना मत हमारे समक्ष रखा। और वो क्या था कि विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, लेकिन घर्षण रहित सतह पर एक समान वेग से गति करती हुई वस्तु को अपनी गति में बनाए रखने के लिए उस पर बाह्य बल लगाया जाना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि घर्षण लग ही नहीं रहा तो वस्तु लगातार अपनी गति से गति करती जाएगी। उनके प्रायोगिक प्रयोगों के जो निष्कर्ष निकले, जो उन्होंने आधार बनाया प्रेक्षणों को, सर आइजक न्यूटन ने अपना आधार बना करके अपना फिर गति का नियम प्रस्तुत किया। सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम की। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने यह बताया हमें कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी, और इसी प्रकार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गति में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, असंतुलित बाह्य बल ना लगाया जाए। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी, और यदि वस्तु गतिशील है तो वह गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल न लगाया जाए। गैलीलियो के प्रेक्षणों को ही आधार बनाकर उन्होंने अपना नियम दिया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गति ही करती रहेगी। लेकिन शर्त इन्होंने रखी कि तब तक ये काम संभव होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे हम जैसे कह रहे हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व क्या है, पहले आप लिख लेंगे फिर हम बात करेंगे जड़त्व की। अब जड़त्व क्या है? जड़त्व वो गुण है किसी भी वस्तु का जिसके कारण वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कि प्रत्येक वस्तु जो है वो यदि स्थिर है और उसकी स्थिर अवस्था में परिवर्तन लाया जाए, या कोई वस्तु गतिशील है और उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाए, तो वह वस्तु उस परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम जड़त्व कहते हैं।
जड़त्व, इसकी कोई विमा नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है, लेकिन ये एक ना ही ये कोई भौतिक राशि है, ये केवल वस्तु का अपने अंदर उपस्थित गुण है जिसके कारण वो परिवर्तन का विरोध करती है, प्रतिरोध करती है। तो जड़त्व के बारे में संक्षेप में जानकारी, जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह परिवर्तन का विरोध करती है, इसका मात्रक व विमा नहीं होते, ना ही ये कोई भौतिक राशि है, बस जड़त्व का अर्थ क्या है, अर्थ है परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। तो जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही पड़ी रहना चाहती है, क्योंकि उसमें किसका गुण है, जड़त्व का गुण है। जड़ जानते हैं ना, जड़ अपनी जगह से हिलती थोड़ी है, जड़ अपनी जगह रहती है। तो ये जो जड़त्व का गुण है, इसके कारण वस्तु अपने अंदर किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील बनाना चाहते हैं या गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशंस में हमें उस पर कोई ना कोई बल लगाना होगा। अब ये जो जड़त्व है, ये तीन प्रकार का हम देखेंगे। हमारी किताबों में दो प्रकार का दिया है, हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला है विराम अवस्था का जड़त्व, विराम या स्थिर। दूसरा है गति अवस्था का जड़त्व, और तीसरा दिशा का जड़त्व। तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसा कि हमने आपको बताया, जड़त्व जो है वो कोई भौतिक राशि नहीं है, ये वस्तु का एक गुण है, और ये जो जड़त्व है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब जड़त्व के जो हमने तीन प्रकार लिए, उसी के आधार पर न्यूटन ने अपना स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम दिया, गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम दिया। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम में, विराम या स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, या तो समीकरण से प्रश्न होंगे इस वाले अध्याय में से, या फिर नियमों पर आधारित प्रश्न होते हैं। अब देखिए, जब हम बात कर रहे थे न्यूटन के प्रथम नियम में, तो हमने दोनों बात एक साथ की थी कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी,
और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो गति अवस्था में ही बनी रहेगी। अब यहाँ हम दोनों बातों को अलग-अलग लेकर के कर रहे हैं, तो चूंकि ये स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम है, तो हम यहाँ पर केवल स्थिर अवस्था की ही बात करेंगे। नियम वही है। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर है, क्योंकि स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम है, तो केवल स्थिर की ही बात कर रहा है, तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब उन्होंने अपने इस नियम के लिए उदाहरण भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किए, जिससे कि ये नियम जो है वो पुष्ट किया जा सके। आप ये पहले नोट कर लें, उसके बाद हम देखते हैं उदाहरण। देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो प्रयोग किया हमारे समक्ष कुछ इस प्रकार का है। ये देखिए, एक उदाहरण जो इसे समझने के लिए लिया जा सकता है। हमने एक कांच का ग्लास लिया, उसके ऊपर एक हमने एक ताश का पत्ता रख दिया और उसके ऊपर हमने एक सिक्का रख दिया, कुछ इस प्रकार। अब सिक्का भी स्थिर अवस्था में है और ये कार्ड भी स्थिर अवस्था में है, साथ ही साथ ग्लास भी स्थिर अवस्था में है, यानी तीनों ही वस्तुएं स्थिर अवस्था में हैं। और अब हम क्या करते हैं, बल लगाएंगे। और बल लगाने से आप जान चुके होंगे कि वस्तु अपनी स्थिति से परिवर्तित हो जाएगी, यानी वस्तु में गति आ जाएगी। जैसे ही हमने इस कार्ड को धक्का लगाया, दोबारा से देखें, हमने देखा कि केवल कार्ड की ही गति हुई और सिक्का जो है वो हमारे ग्लास के अंदर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? इसी प्रकार आप एक और उदाहरण देखिए। जब हम कैरम का खेल करते हैं, तो उस स्थिति में ये इस प्रकार से, जब गोटियां जमा दी जाती हैं और नीचे जो क्वीन कलर की गोटी है, इसकी गति देखिएगा आप, सभी गोटियां स्थिर अवस्था में है, लेकिन जब स्ट्राइकर के द्वारा गति कराई जाती है और नीचे की गोटी पर हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, यानी स्ट्राइकर से जैसे ही गति कराई जाती है, तो आपको इसमें क्वीन दिखाई नहीं दे रही है, जबकि सारी गोटियां अपनी स्थिति में ही बनी हुई हैं। इन दोनों ही प्रयोगों से, ये जो हमने क्रियाकलाप करके देखे, उनसे क्या स्थिति स्पष्ट हुई? देखिए, जब हमने ताश वाला प्रयोग किया, तो सिक्का हमने देखा कहाँ गिर गया, ग्लास के अंदर ही गिर गया, क्योंकि बल जो हमने लगाया था वो सिक्के पर नहीं लगाया था, हमने केवल कार्ड पर बल लगाया था। कार्ड गति कर जाता है क्योंकि उस पर बल लगाया गया, और स्थिर अवस्था से वो अब किस में आ गया, गति अवस्था में आ गया। लेकिन सिक्का, जिस पर बल नहीं लगाया गया, वो अभी भी अपनी स्थिर अवस्था में है और अब उसे आधार नहीं मिलता, तो किस में गिर गया, ग्लास के अंदर गिर गया। इसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण हमने देखा कैरम की गोटियों का, उसमें हमने देखा कि जब सबसे नीचे की गोटी पर स्ट्राइकर के द्वारा बल लगाया गया, तो केवल वो सबसे नीचे की गोटी ही गति अवस्था में आ गई, शेष गोटियों को उनका जड़त्व
अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, वो उनको अपनी स्थिति से अलग हटने नहीं देता। तो सारी गोटियां अपनी जगह बनी रहती हैं, केवल सबसे नीचे वाली गोटी जिस पर बल लगाया गया वही गति में आ जाती है। इसी प्रयोग को आप सिक्कों की ढेरी के साथ भी रिपीट कर सकते हैं कि सिक्के जब एक के ऊपर एक जमाएंगे तो सबसे नीचे का सिक्का जो है वही गतिमान हो जाएगा, बाकी सभी सिक्के या तो अपनी जगह रहेंगे या वहीं नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो है ये है स्थिर अवस्था में जड़त्व के नियम के कुछ उदाहरण। ग्लास पर रखे कार्ड को गति कराने पर उसके ऊपर रखा सिक्का ग्लास में ही गिर जाता है। क्योंकि सिक्का जड़त्व के कारण अपने ही स्थान पर बना रहता है। ग्लास पर रखे कार्ड को गति कराने पर उसके ऊपर रखा सिक्का ग्लास में ही गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिक्का जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही बना रहता है और वो गति नहीं करता है। दूसरा उदाहरण, जैसे कि हमने देखा कैरम की गोटियों का ढेर रखकर सबसे नीचे की गोटी को स्ट्राइकर से गति देने का प्रयास करने पर केवल सबसे नीचे की गोटी ही गति करती है, अन्य अपनी जगह बनी रहती है। और कारण इसके पीछे भी वही है जो अभी हमने सिक्के के समय आपको बताया। और भी इस नियम के उदाहरण हैं, लेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि समय हो चला है। नमस्कार।